अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी बोलना सीखे? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी बात करना सीख जाए। तुम समझो मैं पहुंच ही गया। ए, आटो, आटो, आटो। पापा अंकल अपना बैग भूल गए। खोल के देखते हैं, शायद इसमें उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए। पापा सारे पैसे निकाल कर देखो, क्या पता इसके अंदर अंकल ने एड्रेस लिखा हो। अभिषेक चलो यहाँ से। पापा ये पैच, पापा आप इसको पुलिस में देने जा रहे हो? अंतरा बेटा जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अंतरा ओहो, इसको भी अभी टूटना था, कोई मोची भी नहीं है यहां पे। चलो अंतरा। बदमाश, मम्मी की नकल करती है। एक मिनट, चलो अंतरा बेटा रुको रुको रुको, मम्मी की तकलीफ को समझ गई। थैंक यू सो मच।
और बच्चे ये जूता मुझे पूरा नहीं आएगा, ये तुम्हारे साइज का है, मम्मी के साइज का नहीं। सबकी तकलीफों को अपना समझने वाली मेरी बच्ची, भगवान करे तेरे सारे दुख मुझे मिल जाए और मेरे सारे सुख तुझे। ये क्यों? चप्पल टूट गई। तो नई क्यों नहीं ली? अरे कहां से लेती, यही टूटी सीढ़ियों पे। क्या कहा था तुमने, तुम्हारी चप्पल सीढ़ियों पे टूटी? हाँ यहीं पे सीढ़ियों पे। नहीं वो गेट के पास टूटी, एक्चुअली बीच रास्ते में टूट गई थी। तो नहीं क्यों नहीं ली तुमने? ये नहीं ही है, एक टांका लगवाना है बस, 2-3 रुपए में काम हो जाएगा। नहीं लेने जाती तो 200-300 रुपए लग जाते। और अब इसका क्या? कुछ नहीं हुआ, देते ठीक हो जाएगा। अच्छा अभिषेक कहाँ? सो गया। चल पैर ला। अरे तुम मुझे तो मैं लगा लूंगी। पैर लाओ। अभी तुम्हें लगा। चुपचाप इधर ही बैठी रहो। अरे पाँव नहीं छूते। तुम चुप रहो। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैं लगा लेती हूँ। अब चुपचाप यहीं बैठी रहो, हिलना मत। अच्छा और खाना? खाना मैं बनाऊंगा। और अब बोलना मत कि ये भी तुम नहीं कर सकते। नहीं बोलूंगी। Thank you.
हैप्पी। ड्राइव पे चले चलो। विद्या ये देख, आज मैंने अंतरा की थेरेपी के सारे पैसे भर दिए, आज मैं बहुत खुश हूं। आदित्य भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे सारे सपने सच हो गए। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। आदित्य क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम यहां क्या कर रही हो? चलो जाओ, आज मैं तुम्हें कोई खाना नहीं पकाने दूंगा। अरे बाबा तुम ही बनाओ, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूं कि दाल में थोड़ी चीनी डाल देना। हाँ ठीक है। दाल में चीनी? वो क्या है ना, आजकल मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है। ठीक है। हाँ हाँ मालूम है कि चीनी इसमें रहती है, ये देखो। सॉरी आज तुम्हें चीनी वाली दाल नहीं मिलेगी। कल ले आऊंगा, लेकिन आज तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा? ठीक है। बहुत अच्छा खाना पकाता हूं मैं कभी कभी। आदित्य 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 दरवाजा खोलो। आदित्य क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। आदित्य क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया था? नहीं वो मैं जरा हिसाब कर रहा था। अच्छा खाना खाए? हाँ आ जाओ। ये फिर से सो गया। अभिषेक उठो बेटा, खाना खा लो। मुझे नींद आ रही है,
अच्छा मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। वाह भाई आज तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, पापा ने बनाया। चलो चलो थोड़ा सा खा लो फिर सो जाना। लो बेटा लेट कर नहीं खाते गले में फंस जाएगा, उठो उठो उठ जाओ, शाबाश गुड बॉय। चलो वे अपने हाथ से खाओ खाओ। पापा ठीक से खाना खाओ। पापा आपने वो ब्रेकफास्ट लौटा दिया। हाँ कब? तुम सो रहे थे। पापा अंकल बहुत खुश हो गए होंगे ना? कौन से अंकल? जिनका ब्रीफकेस खोया था। ब्रीफकेस? हाँ मम्मी आपको पता है आज मैंने ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे देखे, इतने सारे। कहाँ? जहाँ बैठे थे वहीं एक अंकल भी थे, वो फोन पे कह रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, पैसों के लिए उन्होंने घर बेच दिया, उन्हें वो पैसे किसी को देने थे पर वो जब गए तो पैसे भूल गए। ओ, फिर? फिर क्या, पापा ने अंकल को वो ब्रीफकेस लौटा दिया और अंकल बहुत खुश हो गए। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मम्मी अगर वो पैसे किसी और को मिलते तो वो क्या करता? अगर वो पैसे तुम्हें मिलते तो तुम क्या करते? जो मेरे पापा ने किया है। गुड। अच्छा उसमें एड्रेस भी था? नहीं। तो फिर लौटाए कैसे? पापा कैसे? मैंने वो